एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्तरां स्टाइल चिकन मलाई टिक्का। और इस प्रोसेस को पूरा अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि ये मैंने मलाई टिक्का कितनी आसानी से बना लिया है। और अगर आप भी इसे ट्राई करते हैं तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आपने ये घर पे बनाया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ही ये बनेगा, उतना ही टेस्टी बनेगा। चिकन है, इसे हम मैरिनेट कर लेंगे नींबू के साथ। आधा चम्मच जितना नमक। हम पूरे चिकन को अच्छे से इसे मैरिनेट करके कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में लगा देंगे। 100 ग्राम चिकन के लिए मेरे को चाहिए 1 बड़े कटोरी जितना दही। इसे मैं एक रुमाल में डाल के इसका पूरा पानी निकाल लूंगी और इसे इस तरीके से कम 3 घंटे के लिए रख दूंगी ताकि इसका एकदम जो पानी है पूरा का पूरा ड्रेन आउट हो जाए। मैं ये फ्रेशली ग्रेटेड जिंजर और गार्लिक ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में जो मिलता है। ये देखते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए यहाँ पे। यहाँ है मेरे पास कुछ चिकन, ये बोनलेस चिकन के पीसेज है मीडियम साइज में कट किया हुआ। और यहाँ पे है मेरे पास फ्रेशली ग्रेट किया हुआ जिंजर और गार्लिक, इसे मैंने खुद ही घर में ग्रेट कर लिया है। साथ में मुझे चाहिए ये गरम मसाला का पाउडर और साथ में चाहिए यहाँ पे ये काली मिर्ची का पाउडर, नमक, और यहाँ चाहिए मुझे ये कसूरी मेथी, और मुझे चाहिए होगा घी। और इसका जो मास्टर इंग्रेडिएंट है वो है दही, जिसको मैंने एक रुमाल में बांध कर उसका सारा पानी निकाल लिया था। ये हंग कर्ड है, एक एक करके मिक्स कर लेंगे। देखिए ये जो चिकन है इसको मैंने पहले ही नींबू के रस से और थोड़े से नमक के साथ मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो मिनिमम कोशिश कीजिए 3 घंटा अगर आप रख पाएं नींबू से और थोड़े से नमक से अगर उसको मैरिनेट करके तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए अब एक एक करके मैं सारे इसमें मसाले डालूंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ अभी ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट, डालूंगी ये नमक स्वाद अनुसार, मैंने इसमें पहले ही थोड़ा सा नमक से मैरिनेट किया था इसलिए मैं नमक कम ही डालूंगी। अब मैं डालूंगी इसमें गरम मसाला, काली मिर्ची का पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग काली मिर्ची थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब डालूंगी थोड़ी कसूरी मेथी, इसको थोड़ा हाथ में मसल के हम लोग डालेंगे। अब डालूंगी मैं इसमें हंग कर्ड, मैंने अच्छे से इसे पूरा का पूरा जो मिक्सचर था इसको चिकन के साथ अच्छे से मैरिनेट करके रख दिया है। इसे अब हम कम से कम 20 से 30 मिनट तक छोड़ देंगे। आधा घंटा मैंने इसे रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। अब मेरे पास ये स्कीवर्ड है, मैं इसमें पूरे के पूरे चिकन को इसमें एक एक करके डाल लूँगी। अब मैंने ग्रिल पैन को चढ़ा दिया है गैस के ऊपर, अब हम पूरे इसको ग्रिल कर लेंगे चिकन को। मैं ग्रिलर में थोड़ा सा घी डाल लूंगी, आप चाहे तो बटर का भी यूज कर सकते हैं। अब धीरे धीरे इसे ग्रिलर के ऊपर प्लेस कर देंगे। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी सी टिप बताती हूँ, आप ना पहले से ही चिकन को थोड़े नींबू और नमक के साथ मैरिनेट करके रखिए और रख के उसे फ्रिज में डाल दीजिए, तो इससे क्या होगा जो मीट है वो बहुत ही ज्यादा टेंडर हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो भी आप कोशिश करें 2 से 3 घंटे पहले अगर आप उसे नींबू और नमक से थोड़ा मैरिनेट करके अगर फ्रिज में रख सकते हैं तो देखिए आपका जो ये टिक्का है वो इतना टेस्टी बनेगा और इतना टेंडर बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम टिक्का बन के रेडी होगा, एकदम नरम, तो इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे, देखिए कितना सुंदर सा इसमें कलर आया है। हम चिकन मलाई टिक्का बनकर तैयार है और मैं भी आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये चिकन कितना टेंडर है, कितना आसानी से टूट गया है, कितना सॉफ्ट है ये चिकन। ज़रूर इसे घर पे ट्राई कीजिए और जो मैंने ट्रिक बताई है उसे भी ज़रा यूज़ करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखकर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।